पहला क्वेश्चन है, यदि जोड़ के स्थान पर घटाया जाए, यदि जोड़ के स्थान पर घटाव हो तो उत्तर का परिचायक, क्या होगा? ठीक है, उत्तर का परिचायक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन है यू जे टी, दूसरा ऑप्शन है यू जे जे, इन क्वेश्चनों में बिना ऑप्शन के नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन पर नजर जरूर माननी है। तीसरा है एम टी एस और चौथा है के यू एस, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो जितने में मैंने बनाया आप लोगों ने ट्राई किया होगा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर रहे होगे साथ साथ कि कौन सा हो सकता है, बाकी मैंने लिख दिया है। अब मैं ही समझा देता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरी वीडियो पॉज कर लेना, जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, एक मिनट आप वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके पहले आप लोग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप प्ले करना इसे। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ कि वीडियो लंबी नहीं करते, आप लोगों ने पॉज कर लियो कि आई होप कि आपने पॉज करके पहले सॉल्व किया उसके बाद चेक कर रहे हो, और नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ है। देखो क्या हुआ बेटा, कि आपको एक चीज तो क्लियर है कि 1 4 6 का परिचायक नहीं है कोई भी। दूसरी बात, टी में किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ के अगर वही संख्या आ रही है, इसका मतलब ये क्लियर है कि एस की वैल्यू तो जीरो है, हर बार वो चीज तो काम करेगी करेगी, तो प्लस एक तो जीरो देगा ही देगा, तो एस की वैल्यू पता चल गई क्या है, जीरो। अब पूछा तो नहीं एस की वैल्यू जीरो, तो ये पता चल गया सब में छोटा अंक क्या होता है, जीरो, और जीरो किसका परिचायक है, एस का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एस, बोले जीरो है। अब अगर एस की वैल्यू जीरो है तो टी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, वो दी भी नहीं, चलो छोड़ दो, बच गया। अब एक बात और सुन लो, यदि जोड़ के स्थान पर घटाया जाए तो उसका बचा, एक बात बताओ, मैं टी में से जीरो घटाऊंगा तो ऑफ कोर्स टी आएगा, जीरो तो कभी, एस तो कभी नहीं आ सकता ना, टी में से किसी भी संख्या में से, टी जो भी संख्या होगी उसमें से अगर मैं जीरो घटाऊंगा, प्लस की जगह माइनस करूंगा, तो क्या यहां पे जीरो आ सकता है, बोले पॉसिबल ही नहीं है, है ना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दो संख्या टी को जीरो मानूंगा तभी पॉसिबल है, और ये मैं जीरो मान सकता हूँ, एस की वैल्यू जीरो है, तो इसे मैं एक मानू, दो मानू, तीन मानू, चार मानू, कुछ भी मानू, उसमें से जीरो घटाऊंगा तो वही संख्या आएगी, कभी भी एस तो नहीं आएगा। अगर एस नहीं आएगा तो ये बात क्लियर हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी भी संख्या में तो जीरो घटाओगे तो वही संख्या आएगी, तो ये ऊपर टी है, जीरो घटाओगे तो टी ही आएगा, यानी कि एंड में टी आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो अगर आप कुछ अभी मैंने किया भी नहीं है, संख्या पहचान भी नहीं पाया, तो भी मेरे दो आंसर आ चुके हैं, ये आ गया, ये आ गया, बचा सिर्फ ये, सिर्फ ये बचा कि टी टी का परिचायक क्या है। अब टी टी का परिचायक मैं कैसे चेक करूंगा बेटा, तरीका तो मेरे पे कोई है नहीं, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बाकी तो कोई तरीका है नहीं। अब टी टी का परिचायक क्या हो सकता है, हमें बस ये सोचना है बेटा कि हम क्या जोड़ें जिससे टी टी का परिचायक क्या आ जाए, ये आ जाए। अब देखो बहुत ध्यान में समझते हैं ताकि अच्छे से हमारी समझ में आए, मान लो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि आंसर चाहे कुछ भी हो, ये आंसर हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा हम पीछे से करेंगे। तो मान लो मैंने वैल्यू मानी 5 टी की, बेटा रख के चेक करना पड़ेगा, तरीका कोई नहीं, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 5 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 5, डन है, डन। अब इतने जब एक चीज समझ ली कि यहां 5 जीरो जोड़ के 5 आ गया, तो ए और यू को क्या मानना पड़ेगा, तो आपको पता है 5 अगर लाना है तो या तो 1 और 4 को जोड़ के 5 आता है, या 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है, या 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है। अब एक बात सोचो कि अगर मैंने एक वैल्यू 2 मान ली, ऊपर वाली, नीचे वाली 3 मान ली, 2 और 3 5 हो गया, तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब आप घटाओगे, जब आप घटाओगे तो 12 में से 3 जाएगा, एक हासिल लोगे, इधर से 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लोगे, तो 12 में से 3 जाएगा, क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, आ क्या रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि यहां तो लौट फेर के 5 ही रहेगा ना, ये 8 आना चाहिए, जोड़ के स्थान पर घटाया जाए तो यहां वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, 12 में से 3 जाएगा 8 आएगा, और 8 क्या है, यहां पे जे है वैल्यू, क्या है, जे, तो यहां पर क्लियर हो गया कि जे की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, आ गई। अब आपने क्या देखा कि अब मैं क्या नंबर बचा मेरे पास, फिर तो आपको पता चल गया 1 में ले नहीं सकता, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 में ले नहीं सकता, 5 आ चुका है, 6 में ले नहीं सकता, 7 और 8 और 9, अब बचा या तो 7 या बचा 9, या तो मैं 7 ले सकता हूं या मैं 9 ले सकता हूं। अब आपको एक बात समझनी है, दो ही संख्या बची 7 और 9, 8 में 7 जोड़ोगे तो संख्या बड़ी, और 8 में 9 जोड़ोगे तो भी संख्या बड़ी, दो अंकों की आएगी, जबकि मुझे के एक ही अंक का चाहिए, हर अंक एक ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता 10 बोल दो आप, नहीं, 1 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या आएगी, तो 8 में 7 जोड़ू या 9 जोड़ू, किसी भी हालत में संख्या 2 अंकों की आएगी। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी हालत में टीका परिचायक 5 तो नहीं हो सकता, 5 तो नहीं हो सकता, यानी कि इतनी मेहनत हमारी बेकार गई, 5 मेरा कभी भी आंसर नहीं होगा बेटा। अब 5 नहीं होगा तो मैं क्या उठाऊंगा, 8 उठाऊंगा, चेक ही करना पड़ेगा बेटा, मैंने टी की वैल्यू 8 रख दी, 8 में 0 जोड़ा कितना आ गया, 8 आ गया, यहां भी क्या चाहिए मुझे, 8 चाहिए, 8 कैसे आ सकता है भाई, ए और यू कोई भी संख्या माननी है आपको, लेके क्या आना है, 8 लेके आना है। अब 8 कैसे लाऊं, तो आपको पता है मैं 1 और 7 जोड़ सकता हूं, लेकिन 1 ले नहीं सकता मैं, फिर 2 और 6 मैं ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपको पता है 6 मुझे ले नहीं सकता हूं मैं,
फिर तीन और पांच ले सकता हूं आठ बनाने के लिए, तो एक को मैंने तीन मान लिया, एक को मैंने पांच मान लिया, तीन और पांच आठ हो गया। अब फिर सिंपल से बात है, जब माइनस करोगे क्योंकि माइनस जोड़ के साथ घटा हो जाए तो जे आना चाहिए, तो मैं इधर से एक हासिल लूंगा, इधर हो जाएगा तेरह, तेरह में से पांच माइनस करूंगा आठ आएगा, जबकि चाहिए आना क्या चाहिए, जे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पे तीन नहीं हो सकता, मैं उल्टा करके देखता हूं कि चलो यार काम करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं पांच और तीन, ये भी तो हो सकता है, मैंने ऐसे करके देखा। अब जब मैंने ऐसे करके देखा यहां से एक हासिल लूंगा तो कितना आ जाएगा पंद्रह, और पंद्रह में से तीन जाएगा तो कितना आएगा बेटा, बोले सर पंद्रह में से तीन जाएगा तो आएगा बारह, क्या आएगा बारह। तो आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि यहां पे जो आएगा बारह यानी कि दो आएगा, एक हासिल जाएगा फिर दो आएगा। अब दो किसकी वैल्यू हो गई, फिर जे की, दो किसकी वैल्यू हो गई, जे की, क्या है दो आएगा। यहां मैंने अब दो रख दिया, क्या रख दिया बेटा दो रख दिया। जब मैंने यहां दो रखा, जब मैंने यहां दो रखा तो आपको एक चीज और क्लियर होगी कि सर दो में से कोई संख्या घटा के क्या तीन आ सकता है, क्योंकि यहां यू है और घटा के यहां पे ऐसी संख्या रखनी है कि यू आ जाए, दो में से ऐसी संख्या घटानी है कि यू आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक मान नहीं सकता, दो में से दो मानूंगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि यहां पे आंसर आप आठ भी नहीं रख सकते, तो क्या आएगा नौ। अब नौ रखो बेटा, यहां नौ रखा, नौ में से जीरो गया नौ आ गया, यहां भी क्या आएगा नौ आएगा। नौ कैसे आ सकता है सर, बोले नौ सर दो तरीके, चार आप मान नहीं सकते, एक और आठ एक मान नहीं सकते, तीन और छह छह मान नहीं सकते, चार और पांच मान नहीं सकते, पांच और चार मान नहीं सकते, छह और तीन मान नहीं सकते, बचा सात और दो। सिर्फ एक ही तरीका है कि सात और दो को जोड़ो तभी आंसर आएगा, वरना आंसर आएगा ही नहीं। तो एक को मैंने मान लिया सात, एक को मैंने मान लिया दो, सात और दो कितना हो गया बेटा नौ, इतनी बात क्लियर है। अब देखो सात में से दो जाएगा तो कितना आएगा पांच, सात में से दो जाएगा तो कितना आएगा पांच, यानी कि जे की वैल्यू कितनी आ गई पांच, पांच आ गई, ये बात क्लियर है। अब आप देखो जब पांच वैल्यू आ गई जे की, तो अब आपको क्या देखना है कि मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो अभी मेरे पास क्या क्या बचा है, एक में ले नहीं सकता, अभी मेरे पास तीन बचा है और मेरे पास आठ बचा है। तो आपको पता है मैं जोड़ रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं क्या कर दूंगा, यहां तीन जोड़ दूंगा, यहां क्या आ जाएगा आठ, पांच में तीन जोड़ दिया कितना हो गया बेटा आठ हो गया, पांच में तीन जोड़ दिया कितना हो गया आठ हो गया, आ गया आठ नौ नौ। अब चेक कर लो एक बार, एक बार हम वैल्यू देख लेते हैं, चेक करते हैं, अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो नौ में से जीरो गया नौ, बोले हाँ टी आ जाएगा, सात में से दो गया पांच, बोले हाँ सर जे आ गया, और सात में दो गया पांच, पांच में से तीन गया दो, तो देखो दो पर क्या है यू, देखो यू आ गया, बोले हाँ सर ठीक है, प्लस किया तो आठ नौ नौ आ गया, वैल्यू मुझे पता है। तो देखो माइनस करके दिखाता हूं, पांच सात नौ में से तीन दो जीरो माइनस करो, वैल्यू चेक करनी पड़ती है मुझे बार बार, नौ में से जीरो गया नौ, सात में से दो गया पांच, और पांच में से तीन गया बेटा दो, कितना आया दो पांच नौ, नौ पर क्या होता है, बोले सर नौ पर मेरा टी आया है, पांच पर क्या होता है, बोले सर पांच पे मेरा जे आया है, दो पर क्या होता है, बोले सर दो पर मेरा यू आया है। क्या यूजेटी मेरा आंसर था, बोले हाँ सर यूजेटी आंसर था, यानी कि यह आंसर मेरा आ गया, तो आंसर क्या हो गया यूजेटी, यानी कि टीटी का वैल्यू क्या आया, बोले फिर टीटी की वैल्यू हो गई नौ, नौ रख के ही मेरा आंसर आ रहा है, वरना मेरा आंसर नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात, तो ये आपके नसीब की बात है कि नौ बी ऑप्शन में आया, डी या सी में नहीं आया, वरना जब भी इसमें क्वेश्चन होते हैं तो ऑप्शन सी या डी आपका आंसर बन जाता है। क्लियर, तो ये कुछ तीन क्वेश्चन थे जो मुझे लगा बच्चों से नहीं होते और मुझे कराने चाहिए। तो इसका तरीका ये, दो ऑप्शन तो हमारे आ चुके थे, टीटी की वैल्यू आपको रख के चेक करनी पड़ेगी ताकि आंसर आपका आ पाए, वरना आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो मुझे जितना लगा कराना चाहिए मैंने कोशिश करी आपको कराने की, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई दिक्कत रह जाए फिर भी उसके बावजूद तो आप मुझे फिर मैसेज करना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे, आपसे मैं ये आशा करता हूँ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। क्लियर, तो कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही, लेकिन साथ ही साथ जाने से पहले एक बार बता देता हूँ बेटा, रोज लाइव क्लास चलती है आपकी डेली 8 पीएम पर रीजनिंग की, और हिंदी की क्लास रोज मिलती है आपको 3 बजे दोपहर में, तो आप दोनों क्लास देखिए। तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, एसएससी सीजीएल में हमेशा आ सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अगर आप लेंगे तो आपका फायदा डेफिनेटली जरूर होगा। कोई दिक्कत हो नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।